गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चैप्टर ट्वेंटी फोर ऑफ ग्रामर एंड अवर चैप्टर नेम इज द सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस जिसका संपूर्ण अर्थ होता है अ सेंटेंस यूजली हैज नाउन वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव सेंटेंस में प्राय नाउन होते हैं वर्ब होती है एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स नाउन मीन्स अ नेम ऑफ एनी थिंग प्लेस पर्सन एक्सेट्रा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के नाम को हम नाउन कहते हैं जैसे गीता और सिटी का नाम ले तो जैसे चंडीगढ़ और एनिमल uh, का नाम लें तो जैसे डॉग तो इस तरह से नाउन क्या होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी का नाम वर्ब वर्क मीन्स एक्शन मतलब कि जो कार्य करते हैं वो वर्ब होता है uh, जैसे ईटिंग गोइंग स्मेल तो ये सब क्या है वर्ब एडवर्ब एडवर्ब मीन्स वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब जो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं जैसे ही वॉक्स स्लोली वो धीरे धीरे चलता है तो इसमें वर्ड की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है स्लोली एडजेक्टिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ना वो शब्द एडजेक्टिव होते हैं जैसे ही इज वियरिंग ब्लैक शर्ट उसने ब्लैक शर्ट शा, शा, पहनी है तो यहाँ पे जो ब्लैक वर्ड है वो शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो यहाँ पे हम करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस की कि टाइप्स कितनी है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस दिस टाइप ऑफ सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन इस तरह के सेंटेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं सूचना देते हैं इट कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही बात है और ये दो तरह के होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो पॉजिटिव में क्या होता है नोट नहीं होता सतीश इज राइटिंग आ स्टोरी तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सतीश क्या कर रहा है वो एक स्टोरी लिख रहा है तो यहाँ पे ये यह पॉजिटिव है बिकॉज देर इज नोट एनी नेगेटिव वर्ड नेक्स्ट है पूजा विल नोट बी गोइंग टू जयपुर पूजा जयपुर नहीं जाएगी नेगेटिव uh, है बिकॉज देर इज अ वर्ड नेगेटिव वर्ड नोट है क्योंकि इसमें uh, तो आपकी समझ में आ गया होगा असर्टिव सेंटेंस नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज टू गिव एन ऑर्डर अ कमांड एन एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑर्डर देते हैं ठीक है ना जिस सेंटेंस में ऐसा ऐसा भाव होता है कि ऑर्डर दिया जाता है कमांड आदेश दिया जाता है एडवाइस सलाह दी जाती है शिक्षा दी जाती है डायरेक्शन डायरेक्शन मीन्स दिशा निर्देश बताए जाते हैं uh, इंस्ट्रक्शन uh, इंस्ट्रक्शन क्या होती है मतलब कि सलाह मसूरा मतलब सलाह दी जाती है इंस्ट्रक्शन दी जाती है निर्देश भी कह सकते हैं इसको और मे का रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट होती है एग्जाम्पल प्लीज हैव टी प्लीज़ Uh, आप चाय लीजिए तो प्लीज हैव सम टी इट मीन्स देर इज रिक्वेस्ट तो इस तरह से हम जिस जैसे सेंटेंस में ऑर्डर कमांड एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर रिक्वेस्ट होती है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आपको याद रखना है नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इस तरह के सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल डू दे लिव हियर क्या वे यहाँ रहते हैं तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें या तो डू डज डिड हैज हैव इज एम आर वॉज वर ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं या तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में मिलेगी आपको या फिर जो डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड होते हैं ना वेयर वैन वाई हु विच इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हुज तो ये डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले वर्ड्स या तो ये मिलते हैं स्टार्टिंग में या फिर आपको डू डच डिड इज एम आर में से कोई भी वाज वर में से हैज हैव हैड या मॉडल्स होते हैं जो शेल विल कैन कोड मे माइट तो इस तरह के जो वर्ड्स सबसे आगे सेंटेंस uh, में होते हैं तो उससे समझ जाना आप कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें एक और पहचान होती है कि बाद में क्वेश्चन मार्क मिलता है आप क्वेश्चन मार्क को देख के भी समझ जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन इस तरह के सेंटेंस सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं जैसे अचानक हमारी हमारी जो इमोशन होते हैं किसी चीज़ को देख के किसी भी दृश्य को देख के जैसे कि जॉय आनंद की खुशी में एकदम से वर्ड्स जो निकलते हैं फियर डर के मारे जो वर्ड्स मुँह से एकदम निकलते हैं सरप्राइज हैरान हो के जब हम सरप्राइज में कुछ बोलते हैं पेन दर्द में पेन का मतलब दर्द होता है दुख होता है एंगर गुस्सा या फिर पीटी दया दया के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं व्हाट आ ब्यूटिफुल फ्लावर कितना सुंदर फूल है तो यहाँ एकदम सडन इमोशन हो रही है जॉय सरप्राइज हो रहा है कि वट आ ब्यूटिफुल फ्लावर कितना ब्यूटिफुल है ये फ्लावर तो यहाँ पे इसमें है ना आप ये मार्क देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ऐसे सेंटेंस में तो आप इस तरह के सेंटेंस को देखते ही समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दैट्स टेरिबल न्यूज दैट्स दैट इज़ टेरीबल न्यूज़ ये बहुत ही डरावनी न्यूज़ है बहुत ही दुख देने वाली न्यूज़ है टेरीबल है भयानक न्यूज़ है तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर इंटरोगेसन ये सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क को देख के हम पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है स्टूडेंट्स आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा काइंडस ऑफ सेंटेंस बाकी जो हम बैक एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू